27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी जिला की प्रस्तावित रैली में मिलने वाले मार्गदर्शन पर काम करके प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सत्तासीन होगी। ये दावा हमीरपुर जिला में बड़सर में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन करने पहुंची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने किया। चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4 साल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और हर क्षेत्र में एक समान विकास करवाया है। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। बड़सर रेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में आने से भाजपा कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश सरकार में नए जोश का संचार होगा और पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सत्तासीन होगी। विपक्ष का विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने के सवाल पर सरवीण चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम ही हर बात का विरोध करना होता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 4 साल में हर क्षेत्र में समान विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास में धन की कोई भी कमी कहीं भी आने नहीं दी है। जो है उनकी आंख तो विपक्ष का नाम ही ऐसा बुरा होता है कि उनको विपक्षी करना है, उन्हें उल्टा ही बोलना होता है। आपके ध्यान में होगा, ये पहली बार नहीं आ रहे प्रधानमंत्री महोदय, इससे पहले भी धर्मशाला में भी आए हैं, मंडी में भी आए हैं, और आज ये मंडी में जो रैली रख रहे हैं हम लोग, 4 साल की सफल रैली, सरकार ने काम किए हैं। यो हर पैसा आता है, पैसा यूज होता है, उसका हिसाब किताब होता है। ये तो लोकल जो MLAs हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर और लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने अपने हलके का काम करवाते हैं। अब हमीरपुर में आप देखो कितना सांसद निधि लगी है और सरकार ने भी पैसा लगाया होगा। हाँ, कहीं थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, कहीं कम लग जाता है, वो फिर डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो है उसमें प्रोग्रेस हुई, उसमें पेपर वर्क हुआ, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंसेज हुई। लेकिन सड़कों पुलों का जाल जो है, जिस तरह से बिछा है, जिस तरह से प्रदेश में काम हुए, सफल कार्यक्रम 4 साल का जो सरकार का है, उसके निमित्त प्रधानमंत्री जी 27 को मंडी में आ रहे हैं और हम सब वहां पहुंचकर उनका स्वागत भी करेंगे। और बाकी जो हमारे इस टेन्योर का जो समय बचा है, उसके लिए कोई नई ऊर्जा लेके, नए कामों को लेके प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी लेंगे। और फिर नेक्स्ट 5 सालों के बाद तो हमने चुनाव में कूदना ही है, निश्चित रूप से भाजपा की सरकार रिपीट होगी।